अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि बालों में अगर खुश्की हो गई है या उससे खुश्की से ज़ख्म पड़ गए हैं तो उसे कैसे ख़त्म करें। चंद ऐसे तरीके जो खुश्की को ख़त्म करने में मदद देते हैं। ये जुमला तो आपने सुना ही होगा कि एक सेहतमंद जिस्म में एक सेहतमंद दिमाग रहता है। वैसे ही अगर आपको बालों के मसाइल का सामना है तो कहीं ना माफी तर्ज ज़िंदगी का नतीजा है। आज 50% से ज़्यादा ख़वातीन को खुशी के मसाइल का सामना है। खुशी खुजली जलन और सर की जल्द को चिकनाई या मुकम्मल तौर पर खुश को ख़राब कर देती है। आपके गहरे रंग के लबास पर मुसलसल गिरने वाले छोटे छोटे स्वे ज़रा से खुद इतमादी में कमी महसूस होती है और ये आप वही को नुकसान पहुँचा सकते हैं। खुशकी तबी तौर पर आपकी खोपड़ी पर को कमज़ोर करती है, लेकिन परेशान ना हो क्योंकि हम आपके लिए कुछ बहुत सी ज़बरदस्त टिप लाए हैं जो आपके बालों को खुश्की से पाक कर देगी। नंबर एक है कंघी तब्दील और साफ़ करना। बाल हमारे जिस्म का नाजुक हिस्सा है और ये हर किसी को अजीज़ होते हैं। हम सब अपने बालों में कंघी करते हैं, पर क्या आपको पता है कि कंघी का गलत इस्तेमाल बालों से मुतालिक बड़े मसाइल पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। अगर आपका ब्रश खुरदरा है तो आज ही इसे तब्दील करें क्योंकि ये सर की जेल पर छाले कर देगा और इससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। बालों की सफाई के साथ साथ कंघी की सफाई का भी ध्यान रखें। गर्म पानी में एंटीसेप्टिक लोशन डालकर ब्रश को धोएं, इससे ब्रश पर लगी धूल और जरासीम ख़त्म हो जाएंगे। अपनी कंघी या बालों से मुतालिक सामान किसी के साथ हरगिज़ शेयर ना करें। नंबर दो है बालों को धोना। अगर आपके बाल खुशी का मसला है तो रोज़ाना अपने बालों को धोएं क्योंकि जल्द की तमाम गंदगी को साफ़ करने के लिए शैम्पू का बाकायदा इस्तेमाल ज़रूरी है। काम करने वाली खवातीन को खुशी का ज़्यादा ख़तरा होता है, इसी वजह से हर की धूल मिट्टी और मौसमी हालात रोज़ाना इस्तेमाल के लिए ऐसा शैम्पू खरीदे जो सर की जिल्द पर नरम हो और उसमें सोया प्रोटीन्स और बादाम का तेल हो। सोया प्रोटीन सर की जिल्द को साफ करता है और बादाम खुश्की को दोबारा होने से रोकता है। नंबर तीन पर है रोजमेरी ऑयल। अगर बाकायदी से शैम्पू करने के बावजूद भी खुश्की ख़त्म नहीं हो रही तो फिर मजबूत खुश्की के लिए मजबूत चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसा कि रोजमेरी ऑयल। ये खुश्की संगीन मसाइल से निमटने के लिए मशहूर है। रोज़मेरी ऑयल का तेल बालों को सफ़ेद होने और खुश्की को रोकने में मदद करता है। किसी भी तेल में रोज़मेरी ऑयल के चंद कतरे डालकर बालों से अच्छी तरह से मसाज करें। इसके बाद बालों को गर्म तौलिए से लपेट कर चंद मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद शैम्पू कर लें। चंद घरेलू नुस्खे। लहसुन के चंद जुए लेकर उसमें एक चम्मच शहद डालकर उस वक्त तक मिक्स करें जब तक कि यह हमवार पेस्ट में तब्दील ना हो जाए। फिर इस पेस्ट को अपनी खोपड़ी पर लगाएं और इसे 15 मिनट तक खुश्क होने दें। इसके बाद अपने बालों को किसी शैम्पू से धो लें। नंबर दो पर है सबसे पहले अपने बालों को खुश्क कर उस पर जर्दी लगाएँ। जर्दी लगाने के बाद अपने बालों को 1 घंटे के लिए प्लास्टिक कैप से ढाँप लें। फिर शैम्पू का इस्तेमाल करते हुए अपने बालों को आहिस्ता से धोएँ। सर से अंडे की बदबू दूर करने के लिए बालों को दोबारा भी धो सकते हैं। इंफॉर्मेटिव वीडियो है, दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।